राजधानी दिल्ली के साथ गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजियाबाद के हालत तब तक ठीक थे जब तक तबलीगी जमात के लोग वहां नहीं पहुंचे थे। ये एक जाहिल मानसिकता है जिससे निकलने की जरूरत है। हम इन्हें बचाकर संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आतंकवाद की घटना है और इनसे आतंकवादियों की तरह ही निपटना चाहिए। जनरल वीके सिंह ने कहा कि जो अपने आप को तबलीगी बोलते हैं और इस्लाम की अच्छाइयों का प्रचार करते हैं, अगर वो डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार करें तो वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसी जाहिर चीजें करें। इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। योगी जी ने इनके खिलाफ रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात की है। जब तक हम सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, इन्हें सबक नहीं मिलेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।